स्थानीय स्तर पर चलने वाली कमेटी के पैसे ने एक व्यक्ति की जान छीन ली। जी हाँ, ये कहानी बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के सांकरौद गांव की है, जहाँ 30 जनवरी की सुबह एक व्यक्ति का चाकू लगा शव जंगल में पड़ा मिला था। मृतक की शिनाख्त शहाबुद्दीन उर्फ साबू निवासी सांकरौद के रूप में हुई थी। शहाबुद्दीन के परिजन किसी प्रकार की रंजिश से इनकार कर रहे थे। ऐसे में पुलिस के लिए शहाबुद्दीन हत्याकांड की गुत्थी सुलझाना काफी मुश्किल हो रहा था। कई पहलुओं के बाद जब पुलिस ने पैसे के एंगल पर जांच शुरू की तो चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल शहाबुद्दीन की मौत का कारण कमेटी की रकम थी, जिसके चलते भाड़े के हत्यारों द्वारा शहाबुद्दीन का कत्ल करा दिया गया। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है कि सांकरौद का ही शौकीन गांव में कमेटी डालता है और शहाबुद्दीन भी शौकीन के पास कमेटी डाल रखी थी। उसी कमेटी की करीब 1,00,000 रुपए शौकीन के ऊपर बकाया थे। कमेटी के पैसों का तगादा शहाबुद्दीन शौकीन से बार बार करता था और अपने पैसों का दबाव शौकीन पर बनाता था। इसी से परेशान होकर शौकीन ने शहाबुद्दीन को रास्ते से ही हटाने की योजना बना डाली। उसने 2 भाड़े के हत्यारों को शहाबुद्दीन को मारने की सुपारी दे दी और 29 जनवरी को शौकीन शाम को शहाबुद्दीन को घर से बुलाकर जंगल की तरफ ले गया, जहाँ भाड़े के हत्यारे पहले से ही घाट लगाए बैठे थे। उन्होंने शहाबुद्दीन के गिरफ्त में लेकर उसके पेट में तवंचे से गोली मारी और फिर चाकू घोप दिया और फिर उसका गला खोद दिया और शव को वहीं छोड़कर फरार हो गए। दिनांक 30/1/2024 को थाना खेकड़ा के ग्राम सांकरौद में हत्या हुई थी, जिनमें 52 वर्षीय शहाबुद्दीन की हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी वहाँ पे गन्ने खेत में मिला था। मुकदमा था, इसमें जांच हम लोग करवा रहे। जानकारी इसमें हुई कि गांव का एक शौकीन की परिजन परिवार का ही है, उनका पैसे का लेन देन था इससे मृतक से, और शौकीन ने 2 लड़कों को बाहर से बुलाया था, उससे उसके मध्य घटना इसने कारित कराई है। आज लोग गिरफ्तार हो गए हैं, इन लोगों ने घटना करना स्वीकार किया, हालांकि कत्ल बरामद हो गया है, इनको हम लोग जेल भिजवा रहे हैं। पूरी घटना में जो शौकीन था उसने बताया कि मैंने जो है 2 लड़कों को बुलाया था बाहर से, इनको हमने पैसे दिए थे, कुछ पैसे मुझे और देने थे, इसी बात पर घटना इसमें कारित की गई है। सर, एक महिला और सुपारी की बात भी सामने आई। मुख्य रूप से जो घटना का मेन उद्देश्य मोटिव है वो कमेटी के पैसे के लेन देन का विवाद इसमें है, लेकिन शौकीन चूंकि अभी बता रहा कि मेरी जो छोटे बेटे की बहू है, पुत्र वधू है, उससे मृतक के बेटे का अवैध संबंध था, उससे भी मैं नाराज रहा था इसमें, लेकिन चूंकि अभी वेरीफाई नहीं है उसको वेरीफाई करवा, लेकिन मूलतः जो मूल इसमें कारण आया वो यही आया है कि कमेटी का जो पैसा था जो शहाबुद्दीन के हिस्से की थी, जो मृतक है वो इसने उधार उसे ले लिया था, वो उसको देना ना पड़े, इसलिए इसने घटना कारित करवाई।